व्यक्ति जो धर्म का कार्य करता है वो उसके वक्षस्थल पर रहता है, वो जो अधर्म का कार्य करता है वो बोझ उसकी पीठ पर लदा रहता है। धर्म का कार्य आभूषण बनकर वक्षस्थल को सुशोभित करता है, और जो अधर्म का कार्य है वो गठरी बनकर पीठ पर लादना पड़ता है। आपको जब किसी का दोष दिखे तो आप समझना वो व्यक्ति हमसे आगे चल रहा है, तभी उसका वक्षस्थल तो आप नहीं देख पा रहे, उसकी पीठ पर लजा बोध आपको दिखाई पड़ रहा है। और प्राय करके ईर्ष्या अपने से आगे चलने वाले से ही होती है, पीछे वाले से नहीं होती। बड़ी मार्मिक बात है ये कि हम उसकी पीठ पर लदा वो बोझ तो देख पा रहे हैं, पर हम ये नहीं देख पा रहे हैं भाई कि उसके वक्षस्थल पर हो सकता है कोई बहुत बड़ा आभूषण भी पड़ा हो सकता है धर्म उसका हमसे बहुत बड़ा हो। प्रभु ने आज जिसे जो दिया है भाई देखकर सोचकर विचार कर ही दिया होगा। आप और मैं निर्णय करने वाले कौन है, है ना। और सभी नचावत राम गुसाई, बहुत लोग इसी उहा पोह में पड़े रहते हैं, अरे वो तो ऐसा काम करते हैं फिर भी सुखी हैं, हम वैसा करते हैं हम तो भी दुखी हैं। इस उधेड़बुन में मत पड़िए भाई, इस बहस का कोई अंत नहीं है, इस वाद विवाद का कोई अंत नहीं है। एक सिद्धांत मानने योग्य है कि जो जस कर रही सो तस फल चाखा, यदि वो व्यक्ति आज पा रहा है तो पूर्व में कभी उसने किया है दिया है तो वो आज पा रहा है, अकारण ही कोई घटना नहीं घटती यहां। और उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे अवधूत गीता के प्रसंग में भी ये बात आई कि यदि आप किसी का गुण देखकर हर्षित होंगे तो प्रकृति आपको भी देगी, तो प्रकृति आपको भी देगी। छोटा सा उदाहरण आपको व्यवहार जगत का ही दे देता हूं। आपने कोई बहुत सुंदर वस्तु पहनी है, कोई व्यक्ति तीन बार चार बार उसकी प्रशंसा कर देता है कि भाई बहुत सुंदर है, कहां से ली, कहां से खरीदी। मेरे जैसा व्यक्ति तो यही करता है कि ले भाई तुम ही ले लो, मैं तो ऐसा ही करता हूं। अब दो चार बार अगर किसी ने प्रशंसा कर दी माने उसकी इच्छा है उस वस्तु को प्राप्त करने की, तो मैं कहता हूं भाई तुम ही लो। अब देखो उस वस्तु की प्रशंसा करने से उसको क्या मिला, वस्तु मिल गई। और वो वस्तु देखकर कोई बुरा सा मुंह बनाकर बैठ जाए तो क्या होगा, कभी वो उसका अधिकारी नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी का गुण देखिए तो प्रसन्न होइए, प्रकृति आपको भी देगी। आप इस बात को अपने जीवन में आजमा लीजिए, और आप किसी का गुण, किसी की चेष्टा, किसी की प्रतिभा देखकर और ईर्ष्या कर रहे, जल रहे हैं, आपकी जो संपत्ति है वो भी आपके हाथ से जा रही है, गांठ का धन भी जा रहा है।